हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस देखिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो गाइस मैंने इस तरह का एक और वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। और गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो भी कर सकते हो। और गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और गाइस वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो गाइस चलिए बिना देर के जल्दी से अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद से रिसाइज कर लेना है। गाइस आप कमेंट करते हो कि फोटो फट जाती है, तो गाइस रिसाइज कर लेना है। अगर आप रिसाइज कर लोगे तो आपको फोटो कभी नहीं फटेगी। गाइस आपको रिसाइज का ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सिंपली ड्रॉ टूल में और ऐड फोटो पर जाएंगे। और तो सिंपली गाइस हम लेयर्स पर जाके ऐड फोटो पर जाते हैं और एक पीएनजी ऐड कर लेंगे। तो गाइस सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहां से हम इसको डन करेंगे और एक बार टैप कर देंगे इसको हम। और उसके बाद गाइस हम सिंपली लेयर्स पर जाएंगे और यहां से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और गाइस इसमें ट्रांसफॉर्म करके हम इसको बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको डन करेंगे। और यहाँ डन करने के बाद से हम फिर से गाइस एक और एम्प्टी लेयर बनानी है और इसमें गाइस अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है, जो आपकी अपनी फ़ोटो होगी। तो गाइस सिंपली हम यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसको फाइंड कर लेते हैं कि कहाँ पर है। तो ये रहा, तो गाइस सिंपली अब हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर गाइस ऐड करने के बाद से हमें स्क्रीन पर कहीं भी एक बार टैप कर देना है। उसके बाद से गाइस हमें ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वो मॉडल वाला लेयर है उसको हम ब्रांडिंग और स्क्रीन डाल देते हैं। गाइस स्क्रीन डालने के बाद से आपका मॉडल ऑटोमेटिक इसमें बैकग्राउंड के पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद से हम ट्रांसफॉर्म करके। और फिर गाइस जो हमारी सेकंड और थर्ड लेयर है उसको हमें मर्ज कर लेना है पहले। तो जो हमारी सेकंड लेयर है वो पीएनजी वाली और बैकग्राउंड वाली, उन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। और उसके बाद से हम गाइस सिंपली इरेजर पे जाएंगे और ये देखिए जो हमारे फेस पे आ रहा है पार्ट उसको गाइस हम सिंपली इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं इसको फास्टली कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखिए हमने इरेज कर लिया है, बट थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है तो हम इसको भी इरेज कर लेते हैं। और उसके बाद से देखिए गाइस हमारे अब ड्रॉ टूल का काम हो चुका है। तो गाइस सिंपली हम यहाँ से अब अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं गाइस डन वाले ऑप्शन पर और यहाँ से गाइस हम अपनी फ़ोटो को डिस्कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अब यहाँ से जाते हैं हम ऐड फोटो पर और देन यहाँ से गाइस हम एक टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट पीएनजी ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड करने के बाद से इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे लेफ़्ट साइड में लगा लेते हैं और इसको लगाने के बाद से गाइस आपने फिर से ऐड फोटो पे जाना है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद से आपने लेंस पीएनजी लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड करने के बाद से ये देखिए थोड़ा सा नीचे वाइट है तो इसको हम क्रॉप कर लेंगे। और उसके बाद से गाइस इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेना है। तो हम सिंपली यहाँ दो हमारी हो गई है तो हम दोनों साइड में इसे लगा देंगे, एक इंस्टा के ऊपर लगा देना है, दूसरे किंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम इसको बड़ा करके लगा लेते हैं और ठीक ऐसे ही गाइस आपने भी लगा लेना है। और गाइस इनको लगाने के बाद सिंपली इनका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन डाल देना है। और सिंपली गाइस हम लेफ्ट वाले साइड में जाते हैं और इसका गाइस हम यू में जाएंगे, एडजस्ट में जाकर यू पे जाते हैं और इसका यू चेंज करेंगे, जिससे देखिए हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही गाइज अपने दूसरे साइड का भी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों कर लिया है और उसके बाद से गाइज जाएंगे हम हमारे ड्रॉ टूल में और यहाँ से गाइज अपने फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने लाइटरूम में फोटो को ऐड कर लिया है, देन लाइट्स पर हम जाते हैं और यहाँ पर गाइज हम कंट्रास्ट को -20% कर देंगे और यहाँ पर हम ब्लैक्स को -10% और फिर गाइज शैडो को हम 15% इंक्रीज कर देंगे। देन गाइज उसके बाद हम नेक्स्ट टूल कलर वाले बटन पर जाएंगे और यहाँ पर गाइज टेम्परेचर को आपने -12-13 रखना है और उसके बाद से इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें नेक्स्ट टूल पे जाना है और इसमें गाइज क्लियरिटी आपने 10% रखनी है।
और उसके बाद से गाइस जाएंगे हम इस विग्नेट वाले ऑप्शन पे, इसमें गाइस हम इसको रखना है -25, ठीक है। उसके बाद से हम उसके नेक्स्ट टूल पे जाएंगे और यहाँ पर गाइस हमें नॉइस रिडक्शन 21% और शार्पनिंग भी 21 ही रख लेना है आपने। तो गाइस देखिए हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।